व्यूअर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी मोबाइल में दूसरे मोबाइल का वाईफाई यूज़ करके आप इंटरनेट कैसे चलाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा फ़ोन है और एक यहाँ पे बड़ा फ़ोन है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका डेटा मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, और ऑन करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब चलाता हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें यूट्यूब चल रहा है। कहने का मतलब दोस्तों इसमें हमारा इंटरनेट का कनेक्शन ऑन है। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस मोबाइल का, जैसा कि आप देख रहे हैं इस मोबाइल का वाईफाई का यूज़ करके इस मोबाइल में हम इंटरनेट कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों वीडियो का शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा छोटा वाला यहाँ पे फ़ोन है, अगर हम चाहते हैं कि इसका वाईफाई इस बड़े वाले में यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमको कुछ सेटिंग पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर सेटिंग जो ऑप्शन है इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम हॉट स्पॉट लिखेंगे, HOT हॉट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हॉट स्पॉट आ गया, यहाँ पे पोर्टेबल हॉट स्पॉट है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि हॉट स्पॉट जरूर लिखा होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पोर्टेबल हॉट स्पॉट है, इस पर हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटअप हॉट स्पॉट दिया, इस पर हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे SSD लिखा है। तो यहाँ पे SSD के अंदर हम जो है यहाँ पे जो भी हम वाईफाई का नाम देना चाहते हैं यहाँ पे नाम हम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसका नाम जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया माई वाईफाई। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो हमारा वाईफाई का नाम माई वाईफाई कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप पासवर्ड है, दोस्तों आप यहाँ पर पासवर्ड जो है अपने हिसाब से यहाँ पर पासवर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 8 करेक्टर का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे मैंने 9 करेक्टर ले लिया। दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं और दोनों का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पे यस हम प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मैंने यहाँ का जो पोर्टेबल हॉट स्पॉट है उसकी सबसे पहले मैंने सेटिंग कर दिया, इसमें पासवर्ड डाल दिया। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो पोर्टेबल हॉट स्पॉट है दोस्तों यहाँ पर इसका ऑन कर देंगे, क्योंकि जैसे ही इसका हॉट वाईफाई ऑन होगा तो इसका जो है हम दूसरे मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसका काम हमारा समाप्त हो गया। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे जो है हमारा छोटा वाला ये फ़ोन है इसका जो वाईफाई हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हमको इसके वाईफाई से इंटरनेट इसमें चलाना है। तो दोस्तों इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रैग करेंगे और ड्रैग करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस मोबाइल का डेटा यहाँ पर ऑफ है। अगर हम यहाँ पर अगर यूट्यूब अगर चलाते हैं एरर शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वाईफाई से इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों वाईफाई से चलाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। दोस्तों इसको हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद जो इसका इस सेटिंग है इस पर हम प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वाईफाई हम लिखेंगे, तो वाईफाई पहले से लिखा है वाईफाई लिखेंगे। लिखने के बाद दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है इस पर हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वाईफाई को यहाँ पे ऑन करना है। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे और यहाँ पे अवेलेबल नेटवर्क जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने माई वाईफाई नाम दिया था। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे जो इस मोबाइल में जो वाईफाई है उसका नाम